जय हिंद साथियों। दोस्तों इस वीडियो में बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, क्योंकि 1.5 साल हो चुका और विभाग की तरफ से अभी तक एक नोटिस भी जारी नहीं हुआ है कि सिविल कोर्ट में प्योर और कलर का एग्जाम कब होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट ऑर्डर है जब कोई भी डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम हो, सिविल कोर्ट का जो भी एग्जाम हो, 6 महीना के अंदर क्लियर होना चाहिए। अदर स्टेट देख लीजिए 6 महीना में क्लियर हो जाता है, और यहाँ 1.5 साल हो गया और अभी तक विभाग की तरफ से एक नोटिस तक भी नहीं आई है जो एग्जाम कब हम ले रहे हैं। तो दोस्तों आज से पीएचटी की क्लासेस फिर से मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल हम मुहिम स्टार्ट किए थे तो सभी लोग मुहिम स्टार्ट किए थे। जब हम स्टार्ट किए तो मेरे साथ सभी लोग सपोर्ट किए, हर चीज़ किए, तो स्टूडेंट ग्राफर और कोऑर्डिनेटर का आपको एग्जाम देखने को मिला। इस बार भी हम लोग फिर से मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर से आपको प्योर और कलर का एग्जाम देखने को मिलेगा। जैसे हम कह रहे हैं वैसे अगर आप कीजिएगा तो 6 महीना के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में मिलेगा गारंटी के साथ। 6 महीना आपको सपोर्ट करना, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यह वीडियो उन 18 लाख कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बिहार सिविल कोर्ट का फॉर्म भरे हैं, परीक्षा तिथि का इंतजार करें, मिट का डाउनलोड होने का इंतजार करें। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज से फिर से मुहिम हमें स्टार्ट कर दी है और 6 महीना हम जो अभी बता रहे हैं जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे अगर आप कीजिएगा तो 6 महीना के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में रहेगा गारंटी के साथ। आज का डेट आप नोट कर लीजिए। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। हम बता दिए हैं, हम एक अभी नीचे नोटिस दिखाने वाले हैं, पीएचटी का इसके टेलीग्राम पर दे दिए, व्हाट्सएप चैनल पर दे दिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको दे दिए। सभी स्टूडेंट को मेल करना और स्टेप बाय स्टेप करके पूरी जानकारी हम आपको बता दिए कैसे आपको मेल करना है, क्या क्या मेल करना है, किसको किसको मेल करना है, ठीक है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, उसके नीचे आपको क्या लिखना है, कैसे आप मेल कीजिएगा, पूरे डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताएं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। पीडीएफ को लेके आपको मेल करना है, और मेल किसको किसको करना है चलिए हम आपको मेल बताते हैं। यही पीडीएफ को आपको मेल करना है। जब तक आप मेल नहीं कीजिएगा बिहार सिविल कोर्ट का आपका एग्जाम डेट नहीं देखने को मिलेगा। हम लोग कितना पापर वेले थे पिछले साल आप खुद देखे थे, उसके बाद ही आपको स्टेनोग्राफर और कोऑर्डिनेटर का एग्जाम डेट आपको देखने को मिला और एग्जाम हुआ। तो चलिए फिर से आप लोग मेल कीजिए, और जो हम कह रहे हैं उस पर आप अडिग रहिए। 6 महीना के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। एक हम लोग क्रांति लाने जा रहे हैं फिर से, सभी स्टूडेंट को सजग होना और जागना है। तो चलिए क्या मेल करना है तो हम आपको पीडीएफ बता दिए है। ये पीडीएफ आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा पीएचटी की क्लासेज का। चलिए मेल बताते हैं, मेल किसको किसको मेल करना है सो देख लीजिए। सभी का ईमेल आईडी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिए सभी का ईमेल आईडी यहाँ पर दिए हुए हैं। सभी को एक एक करके मेल करना है। ये क्रांति हम ही लोग को लाना है, दूसरा को नहीं लाना है। और आप हमें 6 महीना का समय दीजिए और हम जो कह रहे हैं वो कीजिए। 6 महीना के अंदर आपको सिविल कोर्ट का एग्जाम हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो 6 महीना के अंदर एग्जाम ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और यहाँ पर 1.5 साल हो चुकी है और अभी तक विभाग एग्जाम भी नहीं लिया, एग्जाम के लिए नोटिस जारी किया है। तो चलिए ये सभी को मेल करना है। मेल आप कैसे किया जाता है आपको सभी स्टूडेंट को पता है, क्योंकि पिछले साल भी हम लोग मेल करके हर चीज़ करके उसके बाद एग्जाम निकलवाए थे, स्टेनोग्राफर और कोऑर्डिनेटर का एग्जाम नोटिस। तो सभी को आपको मेल करना है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है वो भी हम आपको बता देते हैं, देख लीजिए हम सब्जेक्ट भी लिख के आ चुके हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी कुछ मिल जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी कुछ, और टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा पीएचटी का इसके टेलीग्राम आप लोग सर्च कीजिएगा, पीएचटी की क्लासेज आप रोसरा लिखिएगा, टेलीग्राम आ जाएगा। टेलीग्राम पर हर एक चीज़ हम आपको पीडीएफ दे दिए हैं, सब्जेक्ट लिख के दे दिए हैं, मेल सब लिख के दे दिए हैं, जहाँ से आप मेल कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आपको कह रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाइए। 6 महीना के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा प्योनर कलर का, नहीं तो यह ज्वाइनिंग लेते लेते आपको 3 साल कर देगा। 2016 वाला वैकेंसी देखे थे, 2019 में जाके क्लियर हुआ था। इसीलिए जो भी हम आपको कह रहे हैं आप लोग अगर करते हैं तो 100% आपको 6 महीना के अंदर में ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में मिलेगा, क्योंकि यह विभाग के अंदर अभी जो सूत्रों से पता चला है सजग एग्जाम के प्रति सजग नहीं है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं यह मुहिम चलाने के लिए। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ दिया हुआ है, टेलीग्राम पर दिया हुआ है, सभी स्टूडेंट मेल करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए 1 महीना के अंदर आपको एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगा, तो इसीलिए सभी स्टूडेंट को यह करना है। थैंक यू। पे आप डालिएगा पीएचटी की क्लासेस रोसरा तो आ जाएगा। 800 देख लीजिए यहाँ पे 807 स्टूडेंट जो कि सब्सक्राइब किए हुए हैं, हर चीज़ हम आपको दे दिए आज के डेट में। देख लीजिए यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको पीडीएफ मिलेगा, यही पीडीएफ आपको सेंड करना है।
सब्जेक्ट लिख के दे दिए हैं, उसके बाद सभी को मेल दे दिए हैं और नीचे में क्या लिखना है वो भी हम आपको दे दिए हैं, देख लीजिए ध्यान से, दे दिए है सभी स्टूडेंट को मेल करना है, मेल कीजिएगा उसके बाद ही आपको देखने को एग्जाम डेट मिलेगा, इससे पहले नहीं देखने को मिलेगा। जो हम क्रांति लाए हैं यह क्रांति आप लोग को पूरा करना है, क्योंकि पिछले साल हम लोग मेल किए थे, हर चीज किए थे, उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा, मिला था सिविल कोड के बारे में, स्टेनोग्राफर कोऑर्डिनेटर का एग्जाम डेट और एग्जाम भी हुआ। और अभी आप लोग मुहिम चलाइएगा तो हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं जो 6 महीना के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में चला आएगा। तो सभी स्टूडेंट फटाफट मेल करना स्टार्ट कर दीजिए, सारी जानकारी हम आपको बता दिए हैं। सभी स्टूडेंट देख लीजिए कहाँ से क्या करना नहीं करना, सभी स्टूडेंट को हम आपको बता दिए। देख लीजिए वीडियो को, इस वीडियो में पूरी हम जानकारी बताए हैं जो कहाँ पे मेल करना है, किसको मेल करना है, कौन सा पीडीएफ लगाना है और सभी जानकारी वन बाय वन करके हम आपको बता दिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहां से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम आप पीएचटी कास के टेलीग्राम पर से आप ले सकते हैं, पीएचटी कास का जो व्हाट्सएप चैनल से भी ले सकते हैं। सभी स्टूडेंट आज से हम आपको मुहिम स्टार्ट कर दिए हैं, पीएचटी की क्लासेस पिछला साल मुहिम स्टार्ट किए तो स्टेनोग्राफर कोऑर्डिनेटर का आपको एग्जाम डेट देखने को मिला और एग्जाम भी हो गया। और फिर से अभी हम मुहिम स्टार्ट किए 6 महीना के अंदर, मई से जून जाते जाते आपके हाथ में देख लीजिएगा ज्वाइनिंग लेटर होगा। जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाइए और डायरेक्ट यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हम आपके साथ हैं, इसलिए हम लोग गलत नहीं कर रहे, थोड़ा भी आपको डरना नहीं है, नहीं पैनिक होना है। जब हम आपके साथ है, पिछले साल भी हम आपके साथ है तो स्टेनोग्राफर कोऑर्डिनेटर का एग्जाम डेट देखने को मिला कि नहीं मिला, फिर से आज हम मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में बता दिया, वीडियो देख भी लिए। सभी स्टूडेंट जितना हो सके सोशल मीडिया पर इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट वो 18 लाख कैंडिडेट जो कि सभी स्टूडेंट मेल करेंगे तो 15 दिन के अंदर में आपको एग्जाम नोटिस देखने को मिलेगा, 15 दिन के अंदर में। इसीलिए सभी स्टूडेंट को मेल करना है, अगर हाथ पे हाथ धर के बैठ गए तो फिर दिक्कत है। तो अभी 1.5 साल हुआ है कि 5 साल भी लग सकता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। 2016 वाला वैकेंसी देख लीजिए, 19 में जाके क्लियर हुआ। इसीलिए सभी स्टूडेंट को मेल करना, इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट मेल करें और आपको सपोर्ट करना हमें 6 महीना के लिए, 6 महीना के लिए आज से नोट कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए। 6 महीना अगर आपको हम ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं दिए ना तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, मेरे चैनल पर आप नहीं आइएगा, ठीक है। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट को आज से मेल करना और सपोर्ट करना है, जितना हो सके आप हमें सपोर्ट कीजिए क्योंकि 6 महीना के अंदर हम आपको ज्वाइनिंग दिलवाने के लिए आज से हम मुहिम स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोग बताइएगा जो आप